वैसे तो शूद्रों और अछूतों को हजारों साल तक हराकर गुलाम बनाए रखा गया, किंतु अंग्रेजों के आने के बाद और आज़ादी के बाद उन्हें और लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए विषमतावादी मानसिकता के कुछ धर्मगुरु और नेता समय समय पर अपने विचार रखे हैं, उसी को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं उन धर्मगुरुओं और नेताओं का नाम नहीं लूँगा, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि यह बात किसके द्वारा कही गई है। देखिए, पहला विचार एक चर्चित धर्मगुरु का है। उसका कहना है कि शूद्रों को सिर्फ दोस्ती करके ही हराया जा सकता है, लड़कर नहीं। दूसरा विचार एक चर्चित संगठन के संगठन प्रमुख का है। उनका विचार है कि जंग में उतर जाने के बाद शूद्रों को रोकना शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। तीसरा विचार भी एक कट्टर संगठन प्रमुख का है। शूद्रों पर जीत हासिल करने के लिए उन्हें आपस में ही लड़ा दो। इसके अलावा भी एक विचार है जो एक चर्चित किताब में लिखा गया है। अगर शूद्रों पर विजय हासिल करनी है तो शूद्रों के घरों के बगल में शराब की दुकानें खोल दो, वे नशे में होकर आपस में ही लड़ मर जाएंगे। इन सब विचारों से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये आज के परिवेश में आपको सही नहीं लग रहा है?